जी जी हम लोग आ गए आ गए आ गए हम लोग आ गए आ गए। भीड़ की वजह से सबको इतनी लेफ्ट राइट करनी पड़ती है, एक काम ठीक से नहीं करते। क्या 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 मतलब है? एक काम मतलब क्या है तुम्हारा? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए तुम? अरे हाथ धो के पीछे पड़ने के लिए पानी आना चाहिए ना, पानी नहीं आ रहा सोसाइटी में। मेरी क्या जाती है? अरे अरे चाचा जी रुकिए रुकिए चाचा जी। अरे 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 सोमेश्वरा ये पानी का प्रॉब्लम बड़ा ना हो तो अच्छा। हाँ नहीं तो दो तीन दिन तक पानी नहीं आया तो तब तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पता नहीं ऊपर क्या हो रहा होगा। चलो भी चलो आओ आओ लेना सब। क्या तुम सब लोग दो माला चढ़े उतने में हाफ गए? अरे मुझे देखो मैं अभी तक अड़ी कम खड़ा हूँ। अड़ी कम मतलब चाचा जी? अरे सूढ़ी अड़ी कम मतलब ये देखना ये सब लोग कैसे हाफ रहे हैं, दो माला चढ़े उतने में हाफ गए और मैं हाफ नहीं रहा हूँ ना, मतलब बड़ी कम। चाचा जी आप तो एकदम गबरू हो। गबरू? अरे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं गबरू नहीं हूँ। चाचा जी मैंने ऐसा कब बोला कि आप डरते हो? अरे अभी बोला ना तूने। अरे गुजराती में गबरू का मतलब डरपोक होता है, इसलिए चाचा जी बोल रहे हैं कि गबरू नहीं है। हाँ। ओ चाचा जी ओ पंजाबी में गबरू का मतलब एकदम जवान। ये है घबरू और ये है गबरू। घबरू में घ है वो घड़ी वाला है और गबरू में घ गमले वाला है। चाबी की जरूरत नहीं, ताला नहीं। एक मिनट एक मिनट। अब क्या हुआ बबड़लाल? तू टेरेस के दरवाजे को सिर्फ कड़ी लगा के रखते, ताला नहीं मारते? नहीं कैसी गैर जिम्मेदारी है? अरे गैर जिम्मेदारी क्या इसमें पोपटलाल? और क्या ऐसे ऐसे छोड़ देने को? अरे भाई अरे दिन में कितनी बार लोग मुझसे चाबी मांगने आते हैं, इसलिए मैंने ताला लगाना छोड़ दिया। तुम कितनी बार आए हो भाई? लेकिन तू ये निर्णय अकेले कैसे ले सकता है? सोसाइटी के सारे मेंबरों को पूछना चाहिए, बराबर है कि नहीं भाई? अरे बुलक कर, सोसाइटी मीटिंग में ही तय हुआ है कि टेरेस पे ताला नहीं मारा जाएगा, भूल गए तुम? अखबार एकदम करेक्ट कह रहा है कि मीटिंग में ये तय किया गया था कि टेरेस के दरवाजे का ताला नहीं लगाया जाएगा। अरे हम सब भी तो वही थे भाई, हुआ था तय, तुम्हें याद नहीं? शुरू हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो चलो चलो। हाँ चलो 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 चलना यार। हो क्या शानदार समय, क्या हवा चल रही है यार। बोला आसमान इतने दिन बाद देखा, बचपन की याद आ गई। ये करता है छत पे सो जाऊं। दूर कोई सो रहा है आसमानों में कि फरिश्ते लोरियां गा रहे हैं उसके कानों में। वाह क्या बढ़िया बढ़िया शायरी है। शुक्रिया। वाह वाह मेहता साहब, ओ मेहता साहब आसमान में चांद को देख के तो मुझे भी एक शायरी याद आ गई। इरशाद इरशाद जरूर। हम लोग यहाँ शायरी सुनने सुनाने थोड़ी है। मैं बोल लेने दीजिए चाचा जी इसको एक शायरी। हाँ चाचा जी ये थोड़ी कभी कभी शायरी सुनाता ना, सुना सुना। बोलो बोलो सुड़ी बोलो। थैंक यू यार। सूरज से उसकी रोशनी मांग कर देखो। वाह। चांद से उसकी चांदनी मांग कर देखो। वाह वाह वाह। ओ कब तक रहेगा हमारा पोपू अकेला, अरे कोई तो उससे उसका हाथ मांग कर देखो। क्या बाबा भाई, हम लोग यहाँ शायरी सुनने थोड़ी आए भाई, जिस काम के लिए वो करते हैं ना, चलो टंकी देखते हैं। क्या मुसीबत है ये, क्या हुआ? फिर से एक और सीढ़ी चढ़ो। पोपटलाल अभी टंकी पे जाना है तो सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना, जैसे शादी करने के लिए मंडप तक जाना पड़ता है। ओ भाई ओ भिड़े, मेरी शादी के बारे में कोई कमेंट मत करना, मैं तो खाली एग्जाम्पल दे रहा था। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल क्यों दे रहा है भाई, टंकी की बात करना। अरे पोपटलाल भिड़े टंकी की बात कर रहा है भाई, भिड़े इस वक्त गलत नहीं है, अगर प्रॉब्लम टंकी में है तो ऊपर तो चढ़ना ही पड़ेगा ना। अरे मेहता साहब मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ, इसकी एक गलती की वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हो रही है आज। मेरी कौन सी गलती, मैंने क्या गलती की बताओ, मैंने क्या गलती? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों भाई, चलो सब चलो टंकी में चढ़ो। एक मिनट चाचा जी, टैंक पे चढ़ने से पहले जरा वॉल्व चेक कर लेते हैं, पता चला वही बंद है। मेहता साहब मैंने सफाई चालू किया था। नहीं अब्दुल तुमने किया होगा, लेकिन मान लो कोई सफाई कर्मचारी ऊपर आया उसने गलती से कर दिया हो, किसने शरारतन कर दिया हो, क्या पता, तो चेक करने में क्या हर्ज है? नहीं बराबर। छोड़ी जरा प्लीज चेक करो ना कैसा। हाँ, है कमाल है, वॉल खुले हुए हैं फिर भी पानी नहीं आ रहा। उसके लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ेगा। हाँ बराबर, चलो जल्दी ऊपर चलो। चाचा जी मैं क्या बोलता हूँ, अभी आप टेरेस पर तो आ गए लेकिन
टंकी पर चढ़ना रहने दीजिए, आपको जमेगा नहीं। ए जमेगा वाली, फिर से रेस लगाने तो चल आ जा। 1 2 3 का गीले पटापट। अरे अरे मैं ऊपर पहुंच गया, तुम लोग अभी नीचे खड़े हो। चलो चलो ऊपर आओ जल्दी। तुम पहले ऊपर चले जाओ। हाँ सॉरी, वो क्या लगी तो नहीं ना। सब लोग आ गए ना? हाँ सब सब आ गए। आधी रात को क्या क्या करना पड़ रहा है? डिब्बे तू जरा शांति रखना। अरे कोई टंकी का ढक्कन तो खोलो। ओ तेरी क्या हुआ सोड़ी? टंकी में पानी नहीं है? नहीं है ना पानी? ओए कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है। काफी अंधेरा है अंदर। टॉर्च मार के ही देखना पड़ेगा। बेटे भाई टॉर्च है ना? अरे हाँ शाबाश, अब तुम टॉर्च लेके आया। इसको टॉर्च लानी चाहिए थी, वो लाया नहीं। सेक्रेटरी का काम अब्दुल कर रहा है। वाह अब्दुल वाह, सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए उसका अच्छा उदाहरण दिया तूने। ये कमाल है, मेरी कोई गलती नहीं फिर भी कब से सुना रहे, मुझे अभी रुकना ही नहीं है। अरे डिब्बे अपने मुंह का ढक्कन बंद कर ले भाई। पोपटलाल तुम्हें एक चीज समझ में नहीं आती है क्या? तुम शांत रहो ना भाई, अभी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या बात कर रहे हो? ओ पप्पू थोड़ी ठंड रख। पोपटलाल रूम में कस्टमर के रूम में टेंशन है के तुम वाय मुनिंद्र क्या तमिल में बोल रहा है? शांत रहो। हां तमिल में। हां चाचा जी ने बोला था ना कि मुंह बंद करना, तो टॉर्च ने भी अपना मुंह बंद कर दिया। पपड़ो ले आए तो ले है जी, वो अंदर खूब पानी है जी, टैंकी में पानी पानी है जी। मैंने कहा था ना कि मैंने पानी चढ़ाया था। टंकी तो फुल भरी हुई है, देखो देख आपके ऊपर गए। देखो देखो कितना, देखो देखो कितना पानी पूरा भरा हुआ है टंकी। क्या बोला था? हाँ पानी चढ़ाया नहीं है, पानी कभी भरता ही नहीं हूँ। सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अभी देखो कितना पानी, देखो। हाँ लेकिन सोचने का बात यह है कि टाकी में पानी ही पानी है, तो फिर सबके घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ मुद्दे की बात यही है। मैं अपने कपड़े और बर्तन लेके टाकी में आऊँ धोने के लिए। अरे यार एक मिनट पोपटलाल, तुम शांति रखो ना भाई। अभी समस्या ये है कि टैंक में पानी फुल है लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पाइपलाइन है इसमें कोई कचरा फंस गया हो या कोई वैक्यूम आ गया हो, इस वजह से पानी नहीं आ रहा है? ये पाइप के अंदर कचरा फंसेगा तो पानी का फोर्स कम होगा, लेकिन अभी तो पानी बिल्कुल बंद हो गया है, यहाँ तो पानी नहीं आ रहा। अरे हो, इसका मतलब यही है कि टंकी में से पाइप में जहाँ से पानी जाता है ना वहीं पे कुछ गड़बड़ है। अभी कल सुबह प्लम्बर को बुला के ठीक कराना पड़ेगा। अब रात को तो प्लम्बर कहाँ मिलेगा भाई, तो कल सुबह देखते हैं क्या होता है, अभी चलते हैं। लेकिन मैदा साहब कल प्लम्बर आएगा, वो चेक करेगा, मतलब दोपहर तक पानी आएगा। नहीं 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 भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसे कल दोपहर तक मेरे इतने दिनों के कपड़े बर्तन ऐसे ही रहेंगे बिना धुले? टाइम टू टाइम धोना चाहिए ना सर। वो भाई वो भिड़े, तू मुझे कुछ मत बोल, मुझे जब धोने होंगे कपड़े बर्तन तब धोऊंगा मैं। ओ यारो वो कल तक की राह क्यों देखनी है, वो अभी इसका काम तमाम करेंगे। ए, काम तमाम नहीं बोलते सोड़ी, ऐसा बोलते कि काम निपटा देते। काम तमाम मतलब पूर्ण। क्या बोल रहा है सोड़ी तू? ओ पिड़ू, ओ मेरे यारा तू समझ गया ना, तो फिर इतनी रात को टंकी के ऊपर चढ़कर मेरी हिंदी क्यों सुधार? नहीं हिंदी नहीं, मतलब जरा मैं वापस एक बार चेक करता हूँ। इतना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है भाई। भिड़े
तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे दे, मैं देखता हूँ। हाँ तुमसे होगा ना, लो करो, देखो देखो देखो। रात के भी फोन आते हैं भाई, मुझे प्रेस से फोन आते रहते हैं रात को, रिपोर्टर हूँ मैं। बराबर है, बराबर। हेलो, हाँ बोलो। हाँ 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 हा। मेरा फोन, अरे भिड़े भिड़े, देख तेरी वजह से मेरा फोन पानी में गिर गया। हाँ, मेरी वजह से? हाँ, मैं सोसाइटी के प्रॉब्लम की वजह से मेरा फोन ये पानी की टंकी में गिरा। अब मुझे नया मोबाइल सोसाइटी को लेके देना पड़ेगा। कमल, अगर वेट लग लेके सोसाइटी का क्या संबंध है? संबंध है सोसाइटी का भाई, ना ही घर में पानी जाता, ना टंकी पर यहाँ चेक करने आते, ना ही मैं ऐसे पानी चेक करता, और ना ही मेरा मोबाइल अंदर गिरता। अरे पोपटलाल, तुम्हारे फोन गिरने में सोसाइटी कैसे जिम्मेदार हो सकती है भाई? तुम ऐसे फोन कान में लगा के ऐसे झुक के बात करोगे, तुमने फोन पकड़ा हुआ भी नहीं और फिर गर्दन घुमाकर फोन गिर जाएगा, तो तुम्हारी लापरवाही है इसमें, सोसाइटी जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारी गलती है इसमें। हाँ? सब मैं कुछ नहीं जानता मेहता साहब, ये हर्जाना सोसाइटी को ही भरना पड़ेगा बस। डिब्बे, अब चुप हो जा भाई, फोन तुझसे ही गिरा है, गलती तेरी है, किसी और के लिए है। पर चाचा जी। अरे चुप, पर भीड़ मचल, तू क्या ऐसे खड़े खड़े ऐसे टॉर्च घुमा रहा है? अरे जरा झुक के बराबर देख लो भाई। हां देखो देखो, ध्यान से देख, ठीक ठीक। हां देखता देखो, आराम से। देख भाई देख, कुछ है क्या भीड़? ए दिखा, कुछ तो दिखा, दिखा दिखा मोबाइल दिखा। किधर है? इसके मोबाइल पे रिंग दो तो पता चलेगा मोबाइल कहाँ है। ओ भाई भिड़े, एक तो मेरा मोबाइल गया, ऊपर से मुझे ताने मार रहा तू। पोपटलाल प्लीज तुम शांत रहो, वहाँ कुछ नजर आया और तुम अपना फोन लेके क्यों बैठे हो भाई? तो इसको देखे, क्या 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 दिखा? अरे वो देखो, कुछ दिख रहा है, कुछ कपड़े ऐसे है। इतना तो पता चला कि कुछ तो है अंदर। समझ में नहीं आ रहा है, इस टंकी में कपड़ा कहाँ से आएगा? मैंने क्यों पता? सॉरी मैं तुमसे नहीं पूछ रहा भाई, जनरली कह रहा हूँ कि टंकी में कपड़ा कहाँ से आ सकता है। मैं भी जनरली कह रहा हूँ कि मैंने क्यों पता। ओके ओके, पर इसको निकालेंगे कैसे भाई? अरे कैसे मतलब क्या, अंदर जाके निकालना पड़ेगा कपड़े को और मेरे मोबाइल को। क्या बोला क्या बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ। ओ यारो, एक काम करता हूँ, मैं अंदर कूद जाता हूँ। ए रुक सोड़ी रुक भाई, तुम्हें तैरना आता है? 30% आता है। 30% मतलब? मतलब 70% नहीं आता। अरे भाई तो फिर तू 100% पानी में मत उतर सोड़ी। हाँ। कुछ हो गया तो? हाँ। एक काम करते हैं, चलते हैं सुबह प्लम्बर को लेके आएंगे, वो ही कुछ करेगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है भाई, रुको भाई, ऐसे नहीं चलेगा, अभी के अभी किसी को उतरना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है उतरो तुम। हाँ उतरो। अरे भाई मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे उतर सकता हूँ? शादी का क्या संबंध है यहाँ पे? मुझे कुछ हो गया तो? पर भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है और ये पानी का प्रॉब्लम सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करने की, मेरा मोबाइल निकालने की, ये सारी जिम्मेदारी तेरी है, कोई तो जिम्मेदारी निभा अपनी। जिम्मेदारी निभा मतलब क्या है तुम्हारा? पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसलिए मैं यहाँ पे कब से खड़ा हूँ, और अगर मुझे तैरना आता ना तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद पूछ जाता और तुम्हारा मोबाइल भी निकाल लेता। बोलो, तुम्हारी सोसाइटी के सेक्रेटरी को तैरना तक नहीं आता? यार कठिन है यार। अब्दुल तुम्हें तैरना आता है? अगर 2 फुट पानी होता तो मैं उतर जाता। अब्दुल 2 फुट का पानी होता तो कोई भी उतर जाता। अच्छा मैं तो तू? नहीं चाचा जी, क्या है कि ये टंकी चारों तरफ से बंद होती है ना, तो ऐसे अंधेरे में चारों तरफ बंद उतरने में थोड़ा सा डर लगेगा, दबी होती तो मैं कूद जाता, एक टंकी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, वो बाल्टी से सारा पानी निकाल देते हैं। सोडी ऐसे एक एक बाल्टी टंकी से पानी निकालेंगे तो निकालते निकालते सुबह हो जाएगी। हाँ। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? अरे सब लोग एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर जाता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, जेठा भी यहाँ पे नहीं है। हाँ और चाचा जी आपको कुछ हो गया तो? और चाचा जी ये रिस्क हम आपको नहीं लेने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे टंकी में। प्लीज प्लीज
अरे तुम सब लोग चिंता मत करो भाई, मुझे तैरना आता है। लगता है तुम लोग बचपन में खेले कूदे ही नहीं हो। चाचा जी मैं पानी में खेला बहुत हूँ लेकिन पानी में कूदा नहीं हूँ। हाँ तो वही तो बचपन में सीख लेना चाहिए, सभी प्रकार के खेल खेलने चाहिए। ये तैरना भी एक खेल कूद का ही प्रकार है भाई। मैं तो बचपन में ही नदी में तैरना सीख गया था। अरे 100-100 फुट उमले कुएं में कूद जाता था। ये तो सिर्फ पानी की एक टंकी है। नहीं चाचा जी आप जो बोले वो सब सही है लेकिन मेरी बात सुनिए। अरे कब से खड़े खड़े तुम लोगों की बातें ही सुन रहा हूँ मैं। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अंदर जा रहा हूँ बस। ए अब्दुल ये टोपी रख, पकड़ इसे, एक मिनट ना, ये चश्मा रख। चाचा जी एक बार फिर सोच लीजिए। अरे शांति रखो भाई। चाचा जी पानी का थोड़ा पानी ठंडा है ना, बहुत संभाल लो, पानी संभाल लो, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी है। ओहो चाचा जी कूद गए। चाचा जी क्या हुआ? अरे कुछ देख ले रे। चोस मेरे। हां ये देखिए। अरे यार बिल्ली मॉन्स्टर यहां कितना अंदर है। अरे बराबर लाइट बंद है भाई। हां ये देखिए। गए चाचा जी गए फाइनली पानी में। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। चाचा जी आप ठीक तो है? अरे भाई मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत कर। मुझे ये बता कपड़ा किस तरफ दिखा? वो एक मिनट देखो ये उस तरफ टॉर्च मारा मैंने, उस तरफ जाओ थोड़ा आगे तरफ। मैं जहाँ पे टॉर्च मारी ना मैंने वहीं पे जाइए। थोड़ा आगे आगे। संभल के चाचा जी, एकदम संभल के। हाँ और देखना बाई चांस आपके पैर के नीचे मेरा मोबाइल आया तो जरा। अरे काय वाटत तुला, मोबाइल की पड़ी है तुम्हें? चाचा जी अंदर पानी में है। ऊपर संघर्ष कर रहे हो तो मोबाइल ढूंढ के लाएंगे तुम्हारा। ए देखो आगे, देखो आगे, थोड़ा सा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे। इधर 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 चाचा जी, थोड़ा सा इधर। मिल गया जी चाचा जी को। वाह वाह वाह, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो चलो। अरे चलो क्या, चाचा जी को बाहर तो आने दो भिड़े। अरे नहीं मतलब आज प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चलो अच्छा हुआ, ऐसा वाला चलो था। आइए 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 चाचा, आइए पहले इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अरे यो ये तो कोई बैग है, कपड़ा नहीं है। अरे वाह संबंध का है लेकिन आत्माराम पहले बैग खोल कर देखो तो सही उसमें क्या है। हाँ देखता हूँ देखता हूँ। भिड़े एक मिनट, ऐसे किसी अनजान बैग को खोलना रिस्की हो सकता है। बराबर है भाई, बैग में क्या होगा क्या पता, किसी ने बॉम्ब रखा होगा। तो अरे क्या कर रहे बिल्डिंग में, तूने बैग नीचे फेंक दी। अरे कंपाउंड में सब लोग खड़े। माजिस बैग को खाली है। आसमान से गिरे खजूर में, ये कहावत आपने और हमने कई बार सुनी है लेकिन इस वक्त गोकुल धाम निवासी बिल्कुल इसी परिस्थिति में है। पानी की टंकी से पानी नहीं आ रहा था, क्या कारण है, क्या वजह है? वजह मिल गई, कारण मिल गया ये बैग। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या है इस बैग, इस बैग में कुछ भी हो सकता है, क्या निकलेगा इस बैग से। भाई इस वक्त मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो भी निकले आपके घरों में हंसी और ठहाके जरूर निकलेंगे इस बैग से। लेकिन मेरी चिंता इस वक्त ये है कि क्या है इस बैग में, क्या होने वाला है गोकुल धाम निवासियों के साथ, किन परिस्थितियों से गुजरेंगे हम, क्या गुल खिलाएगा यह बैग। जो भी होगा ठहाकों के साथ बस देखते रहिए, तारक मेहता का उल्टा, देखते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.